यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इससे पहले तमाम सियासी क्रम के बाद येदियुरप्पा को राज्यपाल वजूभाई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। येदियुरप्पा तीसरी बार कर्नाटक के सीएम बने हैं और इससे पहले येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण को लेकर रात भर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राजनीति में आने से पहले येदियुरप्पा क्या करते थे और कैसे वो राजनीति में आए, ये रिपोर्ट देखिए आप। येदियुरप्पा का पूरा नाम बुकानाकेरे सिद्धिलिंगप्पा येदियुरप्पा है। येदियुरप्पा का जन्म 27 फरवरी 1943 को कर्नाटक के मांड्या जिले के बुकानाकेरे में हुआ था। कर्नाटक के तुमकुर जिले में येदियुर स्थान पर संत सिद्धिलिंगेश्वर द्वारा बनाई गई शैव मंदिर के नाम पर उनका नामकरण किया गया। लिंगायत समुदाय के येदियुरप्पा जब 4 साल के थे तभी उनकी माँ पुट्टतायम्मा का निधन हो गया था। पिता सिद्धिलिंगप्पा ने ही उनका पालन पोषण किया। कर्नाटक के लिंगायत समुदाय के वो प्रभावशाली नेता हैं। येदियुरप्पा 8 में स्नातक हैं। 1965 में वो समाज कल्याण विभाग में क्लर्क बने। बाद में वो शिकारीपुर चले गए जहां उन्होंने वीरभद्र शास्त्री चावल मिल में क्लर्क की नौकरी की। साल 1967 में वीरभद्र शास्त्री की बेटी मैत्रा देवी से उनकी शादी हुई। बाद में उन्होंने शिमोगा में हार्डवेयर की दुकान खोल ली। येदियुरप्पा के 2 बेटे बिवाई राघवेंद्र और विजयेंद्र और उनकी 3 बेटियां अरुणा देवी, पद्मावत और उमा देवी हैं। साल 2004 में उनकी पत्नी का कुएं में गिरने से देहांत हो गया। उनकी मौत रहस्यमयी बनी रही। येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 3 साल 2 महीने का शासन किया। उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल की थी। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1972 में हुई थी जब उन्हें शिकारीपुरा तालुका जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया था। साल 1967 में उन्हें जनता पार्टी का सचिव बनाया गया। साल 1983 में वो पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद वो लगातार 6 बार शिकारीपुरा से विधायक चुने जाते ही रहे और इसके अलावा 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 1988 में येदियुरप्पा को पहली बार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। साल 1994 में विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा हार गए और उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। इसके बाद 1999 में भी वो चुनाव हारे, इस पर बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया। येदियुरप्पा नवंबर 2007 में भी जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन सरकार गिरने से पहले कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। एक बार फिर से वो कर्नाटक के मुखिया बने हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस बार वो कब तक कुर्सी पर रहेंगे। खबरें अभी तक के लिए भरत भूषण शर्मा की रिपोर्ट।